Hello everyone. In the last lecture we have seen the derivation for the discharge through the nozzle. तो हम बात करेंगे condition of maximum discharge की, right? तो condition of maximum discharge के लिए क्या करेंगे, हम पहले maximum discharge जो discharge होगा उसी का formula देखेंगे क्या था. तो जो discharge का formula था हमारे पास वो था a2 this 2n over n minus 1 p1 over v1 P2 over P1 की पावर 2 over n माइनस P2 over P1 की पावर n प्लस 1 over n n अंडर रूट, राइट. तो ये हमारे पास फॉर्मूला था. तो अब हमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालनी है. तो हम क्या करेंगे कि इस m को मास फ्लो रेट को विद द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेशर रेशियो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एंड विल पुट इट टू इक्वल टू द जीरो. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्चार्ज, राइट. तो करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है. इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी नो कि ए टू इज द थ्रोट एरिया, ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ठीक है. एन इज कॉन्स्टेंट, पी वन वी वन जो है हमारे पास, ये भी सब कॉन्स्टेंट है. तो सभी चीज़ें लगभग इसमें कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम देखें तो वील हम ये लिख सकते हैं इसको कि जो होल सिस्टम इसका ये जो बाकी चीज़ें हैं सब कुछ ये ज़ीरो हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, पी टू ओवर पी वन की पावर टू बाई एन माइनस पी टू ओवर पी वन की पावर एन प्लस वन ओवर एन, राइट. ये सिर्फ चीज़ें बचेंगी, बाकी सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. तो हम इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करके इक्वल रखेंगे जीरो के. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज टू बाई एन पी टू ओवर पी वन की पावर टू बाई एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन ओवर एन पी टू ओवर पी वन की पावर एन प्लस एन माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट. तो अब हम P2 और ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है. तो इसको अगर हम इस राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इक्वेट कर लेते हैं, तो 2 बाई एन पी टू ओवर पी वन की पावर 2 बाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन एन पी टू ओवर पी वन की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन ओवर एन माइनस वन, राइट. तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, राइट. और पी टू ओवर पी वन की पावर जो ये हमारे पास पी टू ओवर पी वन है, दैट इज जो हमारे पास ये रेशो है प्रेशर रेशो, इसको एक साइड ले लेते हैं. तो ये हमारे पास हो जाएगा टू बाई एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, राइट. और ये हो जाएगा एन प्लस वन ओवर टू. तो ये हमारे पास, क्योंकि ये पूरी की पूरी पावर नीचे जाएगी, रेसिप्रोकल में जाती है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये हमने क्या करा, इसका नेगेटिव ले लिया है, राइट. तो यहाँ पे हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास P2 ओवर P1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 बाई एन माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस वन ओवर एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस एन ओवर टू, राइट. तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एन प्लस वन ओवर एन था, ठीक है. तो एन प्लस वन ओवर एन हम इसके यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगी माइनस वन, एन ओवर एन माइनस वन, और ये माइनस वन ओवर एन, राइट. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, टू बाई एन माइनस वन बाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू, राइट. तो अब अगर हम यहाँ से पी टू ओवर पी वन की वैल्यू देखें, तो पी टू ओवर पी वन की वैल्यू हमारे पास आ रही है एन प्लस वन ओवर टू की पावर एन ओवर वन माइनस एन, राइट. एन ओवर वन माइनस एन. तो यहाँ से हमने पावर इधर ट्रांसफर कर दी है, ठीक है. तो ये हो जाएगी एन ओवर एन माइनस वन माइनस एन, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टू एन प्लस टू ओवर एन प्लस वन
एन ओवर एन माइनस वन, यहाँ से हमने माइनस वन कॉमन निकाल के, ठीक है, तो टू ओवर एन प्लस वन इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, राइट। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज की पी टू ओवर पी वन, यानी कि जो प्रेशर रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू एन प्लस वन एन ओवर एन माइनस वन, राइट। तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है पहले ये हमें समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेरिवेशन तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है हमें, मैक्सिमम डिस्चार्ज की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको विद रेस्पेक्ट टू द प्रेशर रेशियो हमने इसको डिफरेंशिएट करके और जीरो के इक्वल रख देना है, एंड वी विल डू सम कैलकुलेशंस, और यहाँ से हमने पी टू और पी वन की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने बस इतना लिया था कि ये जो वैल्यूज थी ये सारी, ठीक है, इसको हमने कांस्टेंट मान के ये कह दिया था कि इसको जीरो है, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएट वैसे भी जीरो हो जाना है, ठीक है, क्योंकि जीरो के इक्वली पुट करना था हमने। तो हमने सिर्फ अपना जो बेसिक पार्ट था प्रेशर रेशियो वाला, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लिया था, राइट। तो इसका सब जो डेरिवेशन है दैट इज क्वाइट ईजी, बट द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम समझते हैं ये बात को कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास से इस तरीके का कोई सिस्टम है, एक नोजल है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा से पी वन, ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा पी टू, राइट। अब जब तक ये प्रेशर अगर बराबर है, ठीक है, ये अगर बराबर है तो कोई भी मास इसमें से फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो इसमें से कोई भी मास फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन उस अगर हमें मास फ्लो कराना है तो हमें यहाँ का प्रेशर, इस साइड का प्रेशर क्या होगा, हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से दिस पी टू मस्ट बी लेस देन द पी वन ताकि कुछ मास फ्लो करे, राइट। बट वी कैन नॉट गो टू द जीरो की एक जीरो कंडीशन तक हम चले जाएंगे कि ताकि हमें मास फ्लो रेट हमारा इंक्रीज करना शुरू हो गया है, तो हम बहुत एक इसको अगर हम पी टू को जीरो कर दें तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा या बहुत ज़्यादा तेज मास फ्लो रेट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। एक हमें एक ऐसा प्रेशर चाहिए, ठीक है, जहाँ के बाद, ठीक है, जो जिस पे हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज पॉसिबल हो, राइट। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन से आई है कि ये वो प्रेशर रेशियो है जहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है, जो मास फ्लो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो दिस इज द प्रेशर, तो इसीलिए जो हमारे पास ये प्रेशर रेशियो कहलाता है पी टू ओवर पी वन, ये हमारा कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। और हमारे पास जो पी टू होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। ये वो प्रेशर है जहां पे हमारे पास डिस्चार्ज क्या है, मैक्सिमम, राइट। क्यों? क्योंकि ये हम इससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर। तो अब हम क्रिटिकल प्रेशर की सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। वो ग्राफ किसके, इसके बीच में मास फ्लो रेट के बीच में और प्रेशर रेशियोज के बीच में, लेट्स से दिस इज पी टू ओवर पी वन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नोजल है, राइट। अब ये नोजल जो है कि इसका जो प्रेशर है यहाँ पे दैट इज पी वन, राइट, और ये कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल्व सिस्टम है, ठीक है, और वॉल्व सिस्टम से हमने इसका प्रेशर मेंटेन यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो लेट्स से कि जो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज पी बी, दैट इज बैक प्रेशर, जो इसके पे इधर से लग रहा होगा, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास बैक प्रेशर, जो पहली कंडीशन हम ये मान के चलेंगे कि जो पी वन है वो इक्वल है पी बी के, राइट। अगर पी वन और पी बी इक्वल है तो यहां पे कोई भी मास फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, मास फ्लो रेट, नो मास फ्लो रेट, ठीक है ना, कोई भी मास फ्लो यहाँ पे नहीं कर रहा होगा। तो लेट्स से दिस कंडीशन इज दिस कि पी बी ओवर पी वन, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन नंबर वन है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी मास फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मास क्या हो गया, जीरो है। हम ये हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली पता है कि यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए इससे ताकि यहाँ पे मास फ्लो हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इसको कुछ रिड्यूस करना शुरू करा, ठीक है, समवट हमने पी बी को थोड़ा सा रिड्यूस करा पी वन से, तो क्या हुआ, मास फ्लो स्टार्ट्स, कुछ मास फ्लो होना शुरू हुआ, राइट। अब क्या है, और हमने इसको डिक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, पी
पी वन से और हमने इसको करा करा, तो इसका मास फ्लो रेट क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा और इसका मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड वाई वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि हम बैक प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो ये रेशियो जो है कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये और इस तरीके से इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। और जब हमने डिक्रीज करा, ठीक है, इसको हमने और डिक्रीज करा, तो हमने एक ऐसी कंडीशन देखी कि यहाँ के बाद, ठीक है, इसके बाद जो मैक्सिमम मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो गया है, ठीक है, मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो गया है, इसके बाद अगर हम फर्दर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन अभी हमारे पास हमने आई कि यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो गया। अभी कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो गया है? हमने कहा कि ये यहाँ तक पहुँच गया, लेट से, ठीक है। तो दिस कंडीशन, लेट से दिस इज टू एंड दिस इज थ्री एंड दिस कंडीशन इज फोर। इफ वी फर्दर डिक्रीज द बैक प्रेशर, हमने और फर्दर डिक्रीज करा इसको, बैक प्रेशर को, ठीक है, तो हमने देखा देर इज नो चेंज इन मास फ्लो रेट, देर इज नो चेंज इन मास फ्लो रेट, ठीक है, या वेलोसिटी में या मास फ्लो रेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए कहा था कि जो फोर्थ पोजिशन पे कहा था कि ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो गया है, ठीक है। नाउ दिस इज देर इज, अब यहाँ पे क्या होगा, हम कितना भी रिड्यूस कर लें, मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो रेट पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दिस ये रेशियो, ठीक है, क्या कहलाता है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाता है, जहां पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लो रेट हो गया है, और व्हेन वी फर्दर रिड्यूस द बैक प्रेशर देयर इज नो चेंज इन मास फ्लो रेट, और यहां पे हम कहते हैं कि नोजल इज चोक्ड, नोजल इज चोक्ड, ठीक है। चोक्ड फ्लो का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम हमारे पास डिस्चार्ज कंडीशन आ चुकी है, अब इसके बाद हम कितना भी बैक प्रेशर को रिड्यूस कर लें, कोई भी मास फ्लो रेट में चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। वी कैन फर्दर रिड्यूस आर प्रेशर, ठीक है, लेट से किसी 6 पॉइंट तक या 7 पॉइंट तक, ठीक है, लेकिन हमारे पास इस मास फ्लो रेट में अब कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास हम बैक प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं और मास फ्लो रेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो नोजल क्या कहलाती है कि ये कहलाती है नोजल इज चोक्ड, ये केस कहलाता है कि चोक्ड नोजल का केस है ये, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चोकिंग ऑफ द नोजल, ठीक है। मास फ्लो रेट अपनी गिवन कंडीशंस में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुका होता है, ठीक है। वी कैन नॉट फर्दर इंक्रीज आर मास फ्लो रेट। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर। एक बार फिर समझ लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एग्जिट ऑफ द नोजल है, यहाँ पे कुछ बैक प्रेशर होगा पी बी, ठीक है। इफ दिस पी बी इज इक्वल टू द इनलेट प्रेशर, अगर ये पी वन के बराबर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी मास फ्लो नहीं होगा, ठीक है, नो देर इज नो मास फ्लो रेट, ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिक्रीज करेंगे थोड़ा सा मास फ्लो रेट को, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट तक हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस करा, तो क्या होगा, मास फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन नंबर टू हो गई हमारे पास। अब हमने और डिक्रीज करा इसको, फर्दर और डिक्रीज करा, ठीक है, तो क्या होगा कि हम मास फ्लो रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर हम और डिक्रीज करेंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जो मास फ्लो रेट होगी वो अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम को अचीव कर चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई भी फर्दर डिक्रीज करते हैं वेलोसिटी, क्या कहते हैं, प्रेशर को, तो उसके मास फ्लो रेट में या वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये एग्जिट प्रेशर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल प्रेशर कराएगा। तो यही हमारे पास क्या मिल जाता है, क्रिटिकल प्रेशर मिल जाता है जब हमारे पास मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कहलाती है सोनिक वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी कॉल्ड द सोनिक वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम फर्दर रिड्यूस करेंगे प्रेशर को, तो देर विल बी नो चेंज इन द मास फ्लो रेट और द वेलोसिटी, एंड वी से दैट द नोजल इज नाउ चोक्ड, ठीक है। वी हैव अचीव्ड ऑलरेडी अचीव द मैक्सिमम मास फ्लो रेट ऑफ थ्रू द नोजल। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस होता है
क्रिटिकल प्रेशर का। थैंक यू वेरी मच।